एनर्जी कोई ना कोई मेरे पीछे लगा रहता है, मुझे किसी न किसी चीज़ से परेशान करता रहता है, हर चीज़ से। अनजान एक साधारण आदमी हूँ, बालोचेदार आदमी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ कि गांव से लेके मैं शहर में किसी तरह मेहनत मजदूरी करता हूँ, सही ढंग से किसी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। मेरे पास 3 बच्चे, किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पा रहा, कोई काम मेरा बनता बनता सब बिगड़ जाता है। थैंक यू सर। ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज सुबह सुबह मुझे ये क्वेरी मिली जिसमें कि एक आदमी बहुत ही हताश है अपनी ज़िंदगी से और उसके काम जो है वो बन नहीं रहे हैं, अटक रहे हैं बीच में। वो कितनी भी कोशिश कर ले कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा उसके साथ। तो ऐसे बहुत से केस आते हैं जिसमें कि आदमी जो है वो निराश हो जाता है अपनी ज़िंदगी से और लाख यत्न करने पर भी, लाख प्रयत्न करने पर भी काम जो है वो बनता ही नहीं है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आपके जो द्वेषी होते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो आपका बंधन करा देते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिनमें कि आदमी का जो है बंधन किया होता है, तो फिर वो आदमी अपने एक निश्चित स्थान से आगे बढ़ ही नहीं पाता। जिस तरह से किसी जानवर को खूंटे से बांध दिया जाता है तो वो बस उस खूंटे के आसपास ही चर पाता है, उससे आगे नहीं जा पाता। उसी तरह से बंधन में हम इंसानों को बांध देते हैं और वो फिर उस रस्सी के रेडियस तक ही घूम पाएगा, आप कितना भी जोर लगा लीजिए उससे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो इस तरह के बंधन को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि आप पर किसी ने कुछ किया कराया है, कोई टोना टोटका किया गया है, बुरी नज़र लगी है, कई केसों में मैंने ऐसा भी देखा है कि बुरी नज़र लग जाती है, और ये सिर्फ बाहर की ही नहीं होती, ये आपके घर की भी होती है। यदि कोई मजाक में भी आपसे कुछ ऐसा कह दे जो कि आपके लिए अच्छा ना हो तो वो भी बुरी नज़र का काम करता है। कभी भी किसी की अवहेलना ना करें, मजाक में भी किसी का उपहास ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये लग जाती हैं, हमें पता नहीं होता लेकिन हम मजाक में कह देते हैं किसी को कुछ बातें और वो जो चीज़ें हैं वो दिल में चुभ जाती हैं। आपको मैं एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक बेटे की माँ ना उसको बार बार कहा करती थी कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो जो बात थी वो उस बेटे को चुभ गई और वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। तो ये भी काली नज़र ही होती है। आप अगर देखें तो हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बात अपने आप से करते हैं और उस समय में हम अपने आप को कोस ही रहे होते हैं। तो कभी भी अपने बारे में बुरा ना सुने, ना किसी को कहने दे, क्योंकि आपके जो अंदर शक्तियाँ बैठी हैं वो ये चीज़ें सुनती हैं। और जब आप अपना ही उपहास उड़ाते हो तो फिर आपका भला कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को सुधारिए, ना ही किसी का बुरा सुनिए, ना ही किसी को बुरा बोलने दीजिए, और अपने बारे में खासकर कभी भी उल्टा मजाक में भी ना सुने। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात है, यदि किसी ने कुछ किया कराया है तो उसके लिए आपको मैं एक यंत्र दूंगा। उस यंत्र को पहनने से आपके जो भाग्य की रेखाएं हैं वो बदल जाएंगी। इससे मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार होते हुए देखे हैं जो कि रंक से राजा बना दे। आज आप फर्श पे हैं तो कल अर्श पे होंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार देखें कि पहले ही दिन से किसी की लॉटरी लग जाती है, किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाता है। तो ये कैसे होता है? ये सारा कुछ उन शक्तियों का कमाल है। वो चाहे तो एक चुटकी में आपको वो सब दिला दें, लेकिन उनको प्रसन्न करना, उनसे अपनी बातें पहुंचाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो जो माध्यम बनेगा वो है आपका यंत्र, जो ऑमलेट मैं आपको दूंगा। उसको पहनिए और उसके बाद देखिए किस तरह से आपकी ज़िंदगी में भी बहारे आ जाएंगी। चाहे कितना ही बदतर से बदतर दिन आपका क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन इसको पहनने के बाद आप मेरे नाम की माला जपते फिरेंगे। एक बार इस यंत्र को मंगाएं और फिर देखें कैसे आपके काम बनते हैं। बिगड़े हुए काम बनाना, किसी की दुकान खोलना, बंद बिजनेस चलाना, ये सारे
ये यंत्र कर सकता है। एक बार मंगाएं और इसका प्रयोग करके देखें। आप मेरे नाम की माला जपते फिरेंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर। धन्यवाद।